हाँ जी, वेलकम जी माय यूट्यूब चैनल प्रीति चौधरी गो पॉपुलर स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम पार्शियल इंटीग्रेशन फॉर्मूले के बेस हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है कि हमें इसके ये सॉल्व करना है, 0 to 3 xd और x माइनस एक्स, इसको हमने सॉल्व करके लेके आना है और बताना है कि इसकी जो वैल्यू है वो 3/2 होगी अगर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका जो कुछ इंटरफेस है ये कुछ इस तरीके का नहीं है, a से b, f, d, अल्फ़ा। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो मुझे देखो रिजल्ट मिल जाता है कि f की वैल्यू शायद x होगी और अल्फ़ा जो मेरा है उसकी जो वैल्यू है वो ये होगी। हम यहाँ से, और ये जो वैल्यू है a टू b f d अल्फ़ा, ये क्या होता था, पार्शियल इंटीग्रेशन फॉर्मूले में होता था। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो सिंपली x का तो कोई भी इंटीग्रेशन कर सकता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो अभी मेन जो बात है वो हमारी क्या है कि हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मान हियर, यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या है, ये है और ये क्या है, बाउंडेड वेरिएशन बीइंग डिफरेंस ऑफ टू नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये देखो क्या दिख रहा है मुझे, ये डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंस दिख रहा है मुझे, ये भी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये भी। तो ये जो है ये मुझे क्या दिख रहा है कि ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंस है। तो क्या होगा कि मेरे पास ये जो रिज़ल्ट है 0 to 3 x, तो इसको मैं सोल्व कैसे कर सकती हूँ कि मैं इसको सेपरेट कर लूँ। देखो x के साथ ये माइनस, x के साथ माइनस, ये x अलग से एक्स डी एक्स। तो सिंपली ये जो है ये तो मैं सोल्व करके ले आऊँगी कि एक्स स्क्वायर बाई टू और 0 to 3 जब लिमिट लगाएंगे तो 9/2 आ जाएगा ये तो, ठीक है। लेकिन अब मेन बात ये है कि इस पार्ट को कैसे सोल्व करें हम। इस पार्ट को सोल्व करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन फॉर्मूला, जो कि हम उसका प्रूफ भी कर चुके हैं, उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। देन हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया था एफ बी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है तो 3, और अल्फ़ा लिख लो, बीटा लिख लो, कोई नहीं होता, ठीक है। तो बीटा एफ बी अल्फ़ा बी यानी कि बीटा। अब यहाँ पे देखो इसको अल्फ़ा ज्यूम कर लिया ना, तो इसको थोड़ा सेपरेट दिखाने के लिए कन्फ्यूज़न ना हो, हम अल्फ़ा इसको पूरी टर्म को मान लिया था तो इसलिए इसको थोड़ा मैंने अलग से डिनोट किया है बीटा से, ठीक है। तो क्या हो गया, बीटा 3 माइनस एफ 0 और बीटा 0, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह 0 है, माइनस ए टू बी यानी कि 0 to 3, और क्या आ जाएगा क्या आता था मेरे पास, अल्फ़ा आ गया जाता था और डी और एफ। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह क्या है, ये है, तो ये आ गया, और डी और एफ की जगह क्या है, एक्स, तो एक्स, ठीक है, समझ में आया क्या आया, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे देखिए मैंने बता भी दिया कि यहाँ पे एफ की जगह क्या था, एक्स था, और बीटा एक्स की जगह मैंने क्या लिया है, ये लिया है। तो अब मेन बात है कि एफ 3 भी निकाल लेंगे हम, बीटा 3 ये भी निकाल लेंगे, मेन बात ये आती है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए कैसे सोल्व करेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ से, जैसे ये 0 to 3 है तो मैंने क्या बताया था, लोअर लिमिट को ले लो, जैसे ये 0 तो ये क्या 1 1 के उसमें जाएगी, 0 से 1 1 से 2 2 से 3, कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक अपर लिमिट हो, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 5 तक था तो 3 to 4 4 to 5 तक गया था, लेकिन यहाँ पर 3 तक है तो हम सिर्फ 3 तक जाएंगे हम लोग, तो हमारे पास 3 इंटीग्रल आ जाएंगे, एक 0 to 1 1 to 2 और 2 to 3। फिर इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था कि ये जो है इसकी जो वैल्यू होती है ये लोअर, जो हमारी जो लोअर लिमिट होती है उसके इक्वल होती है, यानी कि फर्स्ट केस में देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसको अब सॉल्व कर लेंगे सिंपली, तो मेरे पास ये जो रिज़ल्ट है वो क्या है, ये तो ये देखो क्या आएगा कि एफ 3 यानी कि एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे 3, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3। फिर क्या है, बीटा 3 यानी कि
एक्स, इसके जगह थ्री रखेंगे तो थ्री, ठीक है। अब उसके बाद एफ़ ज़ीरो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो, ये भी बीटा ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो। माइनस ये देखो इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल के लेके आए हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये तो ज़ीरो हो गया, ये हो गया डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और जब लिमिट लगाएंगे वन टू टू तो क्या आ जाएगा, टू माइनस वन, यानी कि वन आ गया। और यहाँ से जब हम करेंगे तो टू बाहर और एक्स स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल, बच गया एक्स स्क्वायर। जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे टू टू थ्री, तो ये क्या बन गया, नाइन माइनस फोर, यानी कि फाइव। मैंने सही किया है ये, सॉरी मैंने देखो ये टू बाहर लिया, और यहाँ पे सिर्फ डी एक्स था, सॉरी मैंने एक्स स्क्वायर एक्स अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो डी एक्स का एक्स, तो अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे टू टू थ्री, तो क्या आ जाएगा, टू और ये थ्री माइनस टू, यानी कि वन, तो टू इंटू वन वन, ठीक है। तो अब समझ में आया, इसका जीरो आया, इसका वन और इसका टू, ये मैंने लिख दिया। माइनस ये मेरे पास क्या था, जीरो टू थ्री और एक्स डी एक्स, तो ये ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद थ्री थ्री जा नाइन, जीरो की जीरो जीरो, और टू और वन थ्री, माइनस एक्स का क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट लग गई जीरो टू थ्री। उसके बाद नाइन में से थ्री का सिक्स, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, और नाइन बाई टू, जीरो लगाने से कुछ फ़र्क पड़ रहा, जीरो बाई टू जीरो हो जाएगा। और ये सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से नाइन गए थ्री, और ये आंसर आ गया थ्री बाई टू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इससे जो नेक्स्ट जो होगा वो होगा ये वाला एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में, तो आप खुद ट्राई करना इसको, ठीक है, मेरे बताने से पहले कि आपको इसको कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, देन वीडियो तो मेरी अपलोड होगी ही, ठीक है। देन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्रीति चौधरी गो पॉपुलर स्टडी, अदरवाइज इफ़ यू डोंट लाइक देन प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।